देखिए मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अब इसको मैंने गार्निश कर दिया है हरे प्याज की स्प्रिंग ग्रीन से, और इसके ऊपर आप थोड़ी सी हरा धनिया गार्निश कर दीजिए। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छी सब्जी बनके तैयार होती है। और इसका प्रोसेस क्या है आप आगे वीडियो में। रश्मि मिश्रा, रश्मि खजाना में मिक्स वेज बनाने जा रही हूँ, मिक्स वेजिटेबल ड्राई बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने गोभी है, इसमें एक स्प्रिंग ऑनियन काटा है, दो गाजर हैं, और शिमला मिर्च है एक, और उसके अलावा मैंने इसमें बीन्स लिया है, गाजर, गोभी, शिमला मिर्च, ये सब मिक्स करके, और भी आप पत्ता गोभी भी डाल सकती हैं मिक्स वेज में, आप पनीर डाल सकती हैं, आप मशरूम डाल सकती हैं। मेरे पास चार सब्जियां थी तो मैंने गाजर, गोभी, बीन्स और शिमला मिर्च डाला, और स्प्रिंग अनियन के वाइट वाले डाले हैं, ग्रीन वाले मैंने गार्निश के लिए रखा है, और एक प्याज छौंकने के लिए रखा है तड़के के लिए, और दो टमाटर बारीक काट लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, इन्हीं चीज़ों से बनेगी। और बाकी तो बेसिक मसाले जो पड़ते हैं वो तो पड़ेंगे ही, वो बाद में की बात है, तो कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने तेल चढ़ा दिया है, तेल चढ़ा दिया, उसमें एक टीस्पून जीरा डालेंगे और थोड़ी सी हींग, और उसके बाद हरी मिर्च डालेंगे। जब गर्म हो जाएगा हरी मिर्च डालेंगे, और उसी के साथ ये प्याज, इसको, और जब प्याज, ये जो प्याज है गुलाबी हो जाएगा तब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसी तरह से इसको भूनेंगे, गुलाबी होने के बाद ही अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, फिर सब्जी डालें, उसके बाद नमक, हल्दी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट, वो प्याज थोड़ा सा भुन गया है, अब अदरक लहसुन का पेस्ट इसको भी डाल के भूनेंगे, और भूनते समय जरा सा नमक डाल देंगे, उससे बहुत जल्दी भुन जाता है। बस भुन गया है मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें ये सारी सब्जियां जो मैंने काटी हैं, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, मिक्स वेज बन रही है, बहुत ही बढ़िया बनती है, और आप भी इस तरह से बनाएं। अब इसको करने के बाद इसमें हल्दी और नमक, ये हल्दी डाला और नमक स्वाद के अनुसार डाल दीजिए गलने के लिए सब्जियों को, और इसके बाद इसको ढक दीजिए, स्लो फ्लेम करके मीडियम स्लो कर दीजिए, और उसके बाद ढक दीजिए, और वो चीज जब गल जाएगी तब उसमें टमाटर पड़ेगा। ये देखिए हमारी मिक्स वेज अब ऑलमोस्ट पक गई है। अब इसमें हम मसाले बेसिक जो हैं, भुना जीरा, पीसा धनिया का पाउडर, और अब चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा आधा चम्मच गरम मसाला, ये सब मैंने डाल दिया है। अब इसी स्टेज पे टमाटर डाल देंगे, जो टमाटर मैंने पीस के रखे हैं उससे थोड़ा खट्टापन आता है, अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो टमाटर अवॉइड कर सकते हैं, उसकी जगह पे आप स्किप कर दीजिए टमाटर, और खटाई थोड़ी सी डाल दीजिए, थोड़ा सा खट्टापन अच्छा लगता है मिक्स वेज में, और बस, और आँच थोड़ा सा तेज़ कर दीजिए फुल फ्लेम पर, और अच्छी तरह से भून लीजिए। बहुत ही बढ़िया मिक्स वेज बन के इस तरह से तैयार होती है। और देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है, और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन फ्रेश जो काट के मैंने रखा है वो डाल देंगे, और गैस बंद कर देंगे, और इसे सर्व कर देंगे। बहुत ही अच्छी सिंपल सब्जी, आसान और टेस्टी लगती है, पूड़ी, पराठा, रोटी, दाल चावल किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही लाजवाब। मिक्स वेज बनके तैयार हो गई है, आप भी इस तरह से बनाएं, खाएं, खिलाएं, और शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत ही लाजवाब मैंने स्प्रिंग अनियन और हरी धनिया से गार्निश करके सर्व किया है, आप भी ऐसे बनाएं।